लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिद्धार्थ कनान और मेरे साथ हैं हेडवारा यूपी दबंग के दबंग गिरी दिखाने वाले सलमान अली और कौन पायल देव 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 देखा एको वाकई अंदर से आ जाती है। ये बताइए आप दोनों एक साथ हैं, क्या दोनों मित्र हैं या इस लीक के दौरान दोस्ती होगी, क्या सीन है पायल? मैं तो फैन हूँ इनका। अरे मैं भी फैन हूँ इनकी और हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं शुरू पहले से ही, मतलब शो में आने से शो से पहले से हम बहुत अच्छे मित्र हैं। बट मैं इनका पर्सनली फैन हूँ क्योंकि बहुत ही कमाल है। बेसिकली एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे के फैन हैं बोला जाए तो। ही सुपरली टैलेंटेड। आप डबल टैलेंटेड हो, आप गाने गाते भी हो, गाने कंपोज भी करते हो, मतलब सब कुछ यही करते हैं। पर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, ये बोल रहे डबल टैलेंटेड, एक बात एक एक दूसरे के फैन क्लब्स के प्रेसिडेंट बन चुके हैं आप दोनों यार। हाँ। एक दूसरे का हाई फाई दो, कम ऑन यप्पा। पर भाई तुम 23 साल के हो, तुमने गाना शुरू किया जब तुम 7 साल के थे, 16 साल लगातार गाए हो, देखा जाए इंडस्ट्री में 16 साल माने आदमी वेटरन हो जाता है, तो दिमाग में भी तुम्हें लगता है कि तुम वेटरन हो चुके हो कि 16 साल गाया? भाई मैं तो पैदा भी नहीं था तब। सर एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फैमिली में ना गाना बजाना ही होता है। मुझे 16 साल हो गए गाते गाते, बट इंडस्ट्रीज में मुझे 3 साल हो गए। बॉम्बे में आए मुझे 3 साल हो गए, लेकिन बचपन से मैं गा रहा हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में गाना बजाना होता है। पापा गाते हैं, परदादा गाते थे, दादाजी गाते थे, तो पीढ़ियाँ गाती आ रही है, तो वो वाला हिसाब है। पर मैंने ये सुना है अंदर के सूत्रों से, आप जानते हैं ना मेरे बहुत सारे सूत्र हैं बाहर हैं यहाँ पे, आपके पिताजी के जूते टूट गए, आपको गाने में माने रुचि डलवाने में गाने में घुसने के लिए, क्या ये सच है कि नहीं? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि एक बाप ही होता है जो जिंदगी में यही सोचेगा कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, वो सिर्फ सोच एक बाप की होती है। तो मेरे पापा की सोच हमेशा यही थी कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा नाम कमाए, और क्योंकि मेरे पापा मेवात के टॉप गायक में एक हैं, तो मेरे पापा हमेशा मुझे सिखाते रहते थे और बस यही सोचते रहते थे कि कभी मेरे बेटे के लिए ऐसा मौका आए जिसमें वो कुछ बड़ा कुछ कर सके, और 10 लोगों से मिलवाना कि भाई मेरा बेटा गाता है, इसको आप अपने साथ ले जाया करो, छोटे छोटे शोज़ करवाया करो, छोटे छोटे जागरण में जागरण करता था पहले, मैं छोटे मोटे शोज़ करता था पहले, मैं शादियों में गाता था। तो बेसिकली मुझे मार भी बहुत पड़ी मेरे पापा से, क्योंकि मैं गाता तो बचपन से था बट मेरा थोड़ा सा खेलने में भी थोड़ा ध्यान रहता था, तो पापा हमेशा ये चाहते थे नहीं तू सिर्फ गाता रहे, तेरा फोकस जो है वो सिर्फ गाने में होना चाहिए। तो बहुत पिटाई लगी मुझे सिखाने के लिए, लेकिन वो पिटाई आज मुझे बहुत काम आ रही है। अपने पिताजी के लिए बोलो अंगार अंगार। ऐसे नहीं पायल जी, अंगार अंगार। ये हुई ना बात। अच्छा आप भी, आपका एक बहुत वर्ल्ड फेमस गाना है आप जाने ना दूंगी, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जो आप बोलेंगी मैं जाने नहीं दूंगी, अरे नहीं जाने दूंगी मुझे वो चाहिए, वो कौन सा है? मेरी फैमिली। मेरी फैमिली, मैं उनको कहीं जाने नहीं दे सकती। हम भी तो है फैमिली यार, है कि भाई? आप सब लोग फैमिली हो, एक्चुअली दिस इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पूरी फैमिली ही है। एक और फैमिली से याद है, सुना कि जब भी कोई लड़की आपको प्रपोज करती है तो आप थैंक यू बोल के निकल जाते हो। क्योंकि थैंक यू ही बोलना चाहिए ना, बस ज्यादा आगे बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी, हसीन लड़के हो, नौजवान हो, अभी तो वक्त है मोहब्बत करने और का क्या? हाँ बोलते जब ना जी ले बेटा अपनी जिंदगी जी ले, जब थैंक यू से काम चल जाए तो आगे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कभी हुआ है कि पापा जी ने बोला बेटा तुम गाते रहो मोहब्बत मत करो, ऐसे पापा ने बोला है कि नहीं? नहीं नहीं, पापा ने ऐसा कभी नहीं बोला, क्योंकि पापा ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, वो उनकी सोच थोड़ी अलग है। लेकिन पापा हमेशा सिर्फ यही कहते हैं बेटा कुछ भी करो सच्चे दिल से करो, और म्यूजिक लाइन में जब भी कुछ काम करो तो ईमानदारी के साथ करो बस। क्या बात है, आपके पिताजी को नमस्कार हमारे साइड से, क्या बेटा पाया और क्या बड़ा भाई मैंने पाया हुआ है। बड़ा भाई सर, मैं तो छोटा भाई हूँ आपका। पायल आप इस लीग की एकलौती सिंगर नहीं, सिंगर का म्यूजिक कंपोजर है। हाँ जी, हाँ जी। क्या
गाना तो गाना बहुत अच्छा है आपका, अच्छा। पर कंपोजर बनकर क्या दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स आपके साथ कंपीट करने लगते हैं कि यार पायल भी गाना कंपोज कर रही है तो इसको गाने के लिए हम नहीं देंगे, ऐसा होता कि नहीं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसा लगता है ऑब्वियसली, बट मैं सच बता रही हूँ कि मैंने कंपोज करने के बाद भी बहुत लोगों के लिए गाती हूँ, गाती आ रही हूँ। लाइक विशाल शेखर जी के लिए मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में 3 गाने गाए, फिर और भी बहुत सारे गाने जो मैं दूसरे कंपोजर्स के लिए भी गाती हूँ। मेरा एक कंपोज करने का एक स्टाइल है, आई हैव वन थिंग, लाइक सबको पता चल जाता है हाँ ये सॉन्ग पायल देव का है, वो समझ, मैं कॉपी नहीं करती हूँ कहीं पे भी, तो मैं अपनी ओरिजिनल बनाती हूँ। तो मुझे डर नहीं है इस बात का कि यार मैंने, अगर मैं किसी से कुछ चुराऊँ तब तो मुझे डर हो, जब मैं खुद का क्रिएट कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। लोग बुलाते भी है, गवाते भी है, और इज्जत भी देते हैं, और बहुत प्यार भी करते हैं। इतना प्यार करते हैं पायल, ऐसे करो भाई, पायल देव की जय हो, ऐसे करो। ओह माय गॉड, ये अच्छा मेरे भाई, जब तुम शादियों में गाया करते थे, कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ ना, ऐसा एक सिचुएशन आपके साथ हुआ जो आपने बोला ये क्या हो रहा है, जहाँ पे कोई टुन होके आ गया स्टेज पर, या फिर आपको कुछ जबरदस्ती बोला ये गाने के लिए वो गाने के लिए, क्या सीन है? मैं फिर बोलूंगा कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं तो हमेशा अच्छा सवाल पूछता हूं। एक्चुअली मेरे साथ में एक बहुत ही ये ज़बरदस्त सीन हुआ था, एक हादसा, मैं तो उसको हादसा मानूंगा, क्योंकि मैं ना एक शादी में गा रहा था, तो एक रेडी होती है बड़ी सी जिस पे खड़े होकर गाते हैं ना, जिसमें बैंड, जिसको बैंड बोलते हैं, जिसमें नाचते हैं ना, वो वाला, उस वाली शादी में मैं गा रहा था। तो मैं खड़े होकर ऊपर गा रहा था, तो एक बंदा इधर से आया था, तो उसने बहुत पी हुई थी, तो उसने बोला कि ओए इधर आ नीचा, बोला हाँ भाई बोलो, बोले कि वो वाला गाना गाओ, मैंने कहा ठीक गाता हूँ। फिर इधर से एक बंदा और आ गया, ठीक है, उसने बोला कि अरे भाई ये वाला गाना गाओ मेरा। फिर एक और आ गया इधर से, अरे छोटू वो वाला गाना गा जल्दी से। और सब लोगों ने पी होती है, क्योंकि शादी में सब लोग पी के नाच डांस करते हैं, तो उनको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने बोला भाई यार मैं किसकी फरमाइश पूरी करूँ, तो जो लास्ट का था, जो लास्ट में आया था, उसकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी, क्योंकि वो लास्ट में उसने कुछ ज़्यादा आँखें दिखाई। जो पहला वाला बंदा आया था जो बहुत टुल्ली था, उसकी फरमाइश पूरी नहीं करी, अब उसको लग गया बुरा। मैंने क्या, उसने एक मारा मुझे जमा के मेरे कान पे। बोला किसने क्या किया है? बोला कि तूने मेरी फरमाइश पूरी क्यों नहीं की, इसकी फरमाइश पूरी करी। तो मैंने बोला भाई माइक छोड़ के भाग गया किसने छुआ? ये प्यारे से गाल को मेरे भाई, ये लो मैं सहला रहा, ऐसे करो ऐसे। जिसने भी छुआ उसको लेके आओ, हमें भी उसके गाल पे मारनी है। बहुत मारेंगे, सब मारेंगे ना आप। हाँ कंटाप, कंटाप, अरे यूपी में तो कंटाप बहुत अच्छा होता है, कंटाप। मैंने भी बहुत कंटाप खाया हुआ है। आप मुझे बताइए, मैंने सुना कि आपको जो पब्लिक परफॉर्मेंसेस होते हैं वो पायल देव को पसंद नहीं है। हाँ। क्योंकि सुनने में आया है कि आप कहती है यार जो पब्लिक होता है ना वो सिंगर्स के साथ अच्छा सलूक नहीं करती है। हाँ, हाँ। वो क्या है? सी बहुत बारी होती है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, अदर आर्टिस्ट के साथ भी, कि लोग परफॉर्मेंस के लिए बोलते हैं, बट आप जब परफॉर्म कर रहे हो लोग ऐसे बैठे हैं, यू नो कोई रिएक्शंस नहीं आते कभी कभार, जो कि मुझे थोड़ा पसंद है। ऑफ कोर्स लाइव लाइक परफॉर्म करना मुझे बहुत पसंद है, इंटरेक्शन बहुत पसंद है। कभी कभी बहुत अच्छे ऑडियंस होते हैं, और कभी कभी ठंडी, बिल्कुल ठंडी, मतलब ऐसे मतलब बात है कि यार कोई अगर कुछ गा रहा है, कुछ एक रिएक्शन तो आना चाहिए ना, यू नो लाइक कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, तो इट डजंट लुक गुड आर्टिस्ट की। ये ऑडियंस है, आप दो दो लाइन गाइए और ये रिएक्शन देंगे आपको, ठीक है? तुम पब्लिक में हो, तुम फैन हो पायल के, भाई तुम्हें रिएक्शन देना, ओके? तो भाई पागल हो जाऊंगा, मेरे सामने गाएंगे। हाँ तो हो जाए, हो जाए। तुम ऑडियंस हो, ये लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, ओके? किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह, किसी को मेरी हसरत है, किसी की मैं हूँ दिलरुबा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। क्या बात है, ऐसे होना चाहिए ऑडियंस। क्या आप ऑडियंस से खुश है कि नहीं? बहुत जब मेरे को लग रहा है मैं पूरी कॉन्सर्ट कर डालू इधर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इन सिंगर्स के नाम लेता हूँ, तो आपको मुझे बताना है आपके जहन में क्या आता है इनके बारे में। शान, सुकून, नेहा भसीन, रॉकर, शिल्पा राव, कमाल, मीका, फुल ऑन,
फन मस्ती। कैलाश खेर। अरे तबाही। तबाही क्यों भाई? तबाही से गाते हो। क्या बात है, क्या फिर आपसे हमारी एक और सिंगर जो हमारे दिल के बहुत करीब है वो है रूपाली। वेरी स्वीट। हाउ स्वीट? बहुत स्वीट है। क्या बात है। आखिरी एक सिंगर जिसके लिए आप कहते हैं उनके बगल में मैं खड़ा रहूं तो हाथ पैर कांपेंगे, वो कौन है? हाथ पैर कांपेंगे जिससे आप डरोगे, आई मीन जिसके सामने आपको गाने में हेजिटेशन हो या सर गाने में? मैं सच बताऊं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, डरता हूँ वैसे मैं तो, मैं गाने से मतलब गाने के मामले में मुझे डर नहीं लगता कभी। वैसे बताओ, मैं बताता हूँ आपको। आप बताइए वैसे, नाम लीजिए, मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगा कि वो बहुत कमाल है। जावेद अली। अरे सलमान अली। जावेद अली। सलमान अली। जावेद अली, सलमान अली। एक रैप सॉन्ग बनाते हैं। चलो एक रैप सॉन्ग बनाओ। चलो एक रैप करते हैं। चलो चलो कंपोजर साथ बैठिए, हमारा तो काम ही नहीं है, नहीं है ना, पर लिरिक्सिस्ट तो चाहिए होता है, लिरिक्स मिलेंगे। आप लिरिक्स दो ना, आप लिरिक्स दो। अच्छा हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है या। तो क्या है, डाली ने डाली पर नजर डाली, हाँ। किसी ने इस पर डाली, किसी ने उस पर डाली, हमने जिस पर नजर डाली उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और कर डाली। ये तो बहुत ही नाम से सलमान को बहुत ही अभी तक बहुत ही दुख की बात हुई। चलो ऐसे करते, डाली ने डाली पर नजर डाली, हाँ। दोबारा बोलो, डाली ने डाली पर नजर डाली, डाली ने डाली पर नजर डाली, किसी ने इस पर डाली, वो किसी ने उस पर डाली, ये हमने जिस पर नजर डाली, हमने जिस पर नजर डाली उसके बाप ने उसकी शादी किसी और से कर डाली, पर क्यों डाली कुछ नहीं पता। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे एजू ओरा के यूपी दबंग सलमान अली और पायल देव मुरंगा। Yeah!